चाइना की मिलिट्री माइट कितनी पावरफुल है ये आप शायद सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम उसका 10% डिस्कस करेंगे कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी और उनकी मिलिट्री पावर कितनी डेप्थ वाली है, कितनी उसमें लेयर्स हैं, और ये हमें कौन बता रहा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस डिपार्टमेंट हमें बता रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो पेंटागन ने अपनी कांग्रेस को पेश की है। जी हाँ, यूएस मिलिट्री ने अपने जो लॉ मेकर्स हैं उनके सामने चाइना के डिफेंस के हवाले से एक पूरी रिपोर्ट मुरतब की है, 200 सफ़ों की। उसको मैंने काफ़ी हद तक पढ़ने की कोशिश की है और उसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं आज रखूँगा। ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो बाइडेन साहब ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पहले ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर पेंटागन को दिया था, उनकी अपनी आर्मी को, कि चाइना के हवाले से पूरी रिपोर्ट एक बनाओ, इंटेलिजेंस इकट्ठी करो, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो और हमें प्रोवाइड करो। तो शायद ये उसी सिलसिले की एक पहली कॉम्प्रिहेंसिव कड़ी है। 2 सालों में यूएस आर्मी ने पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, पूरी चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसको कंपाइल किया है। और हम ये भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कितना जिक्र है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं चाइना का नेशनल सिक्योरिटी विजन, उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी, उसके हवाले से कुछ टैक्टिकल एनालिसिस और उनकी फॉरेन पॉलिसी। तो इस रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना की जो नेशनल स्ट्रेटजी है वो ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन बाय 2049 उसको वो अचीव करना चाहते हैं, यानी कि विजन 2049 कह लें या विजन 2050 कह लें, 2050 तक वो अपने आप को एक ग्रेट सुपर पावर बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर जिसको कोई हाथ भी ना लगा सके, जिसकी तरफ कोई मैली आंख से भी ना देख सके। तो उस तरह का एक वो उन्होंने फिलॉसफी तैयार किया, एक डॉक्ट्रिन तैयार किया शी जिनपिंग ने। इसमें अब इस स्ट्रेटजी के कई एलिमेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल है, सोशल है, मिलिट्री है, और किस तरह अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है ताकि जो चाइना की ओवरऑल पावर है उसको ग्रो किया जाए। उसमें इन्होंने अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और इंटरनेशनल ऑर्डर में अपना असर व रसूख कायम करने की कोशिश करना है। और डेफिनेटली चाइना अगर इंटरनेशनल ऑर्डर में अपना असर व रसूख जमाने की कोशिश कर रहा है तो ये सीधी सादी अमेरिका बहादुर के साथ पंगा है। और इस रिपोर्ट में अमेरिकन्स का ख्याल ये है कि इस पूरे गोल को अचीव करने में जो सबसे बड़ी हर्डल है उनके सामने वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अल मशहूर अमेरिका बहादुर। और ये कि अमेरिका बहादुर चाइना के राइस को रोकने के लिए हर हद तक जा सकता है, जो कि उनकी पूरी जो ये नेशनल स्ट्रेटजी है उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए शायद आप भी उतने ही शॉक्ड होंगे जितना मैं हुआ। सबसे जो माइंड ब्लोइंग चीज है ना इस रिपोर्ट की, उसमें हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है मिलिट्री सिविल फ्यूजन, मिलिट्री सिविल फ्यूजन MCF डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है कि सिविल और मिलिट्री हर मैदान में इकट्ठे काम करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जो इनकी नेशनल स्ट्रेटजी है कि किस तरह हमने अपने दिफा को नकाबले तस्खीर बनाना है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी सिविलियन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सिविलियन इंडस्ट्री है, सिविलियन टेक्नोलॉजी है, वो आपकी मिलिट्री भी यूज करेगी, क्योंकि चाइना में तो सारा जितना भी ज्यादातर काम होता है, इंडस्ट्री होती है, उसके ऊपर एक सरकार की नजर होती है। तो सरकार कहेगी कि जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्री की तो हम उसको मिलिट्री के लिए प्रोवाइड, मिलिट्री को उसको प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह मिलिट्री की जो पावर होती है, मिलिट्री के पास जो लॉजिस्टिक्स होती है, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, उसको सिविलियंस यूज करेंगे। यानी उन्होंने सिविल मिलिट्री का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कि जी ये मिलिट्री वाला है इसकी ज्यादा इज्जत है, ये सिविलियन है इसकी कम इज्जत है। उन्होंने कहा कि हम भी वही हैं जो आप हो, एक ही है सिविल मिलिट्री, ये दोनों मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये नहीं होगा कि तुम उधर और हम इधर। ये बड़ी ये की इनकी स्ट्रेटजी है कि हर बंदा एक सोल्जर है अपने मुल्क में, वो जो भी काम कर रहा है उसका कुछ हिस्सा मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। वो खाली अब उसमें पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ फौजी मुल्क का दिफा कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली एक सिस्टम है ये उनके ख्याल में, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं, अब हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। और इसी तरह अपने जितनी भी सिविल एक्सपर्टीज़ हैं
उसको हमने मिलिट्री में भी इस्तेमाल करना है। इसकी एक एग्जांपल मतलब पाकिस्तानियों के लिए समझने के लिए बहुत छोटे लेवल पे एक एग्जांपल है, जैसे मोटरवेज कि मोटरवेज और हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो सिविलियन यूज़ के लिए होता है उसको इस तरह बनाया जाएगा कि उसमें आपकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स उनको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। जैसा कि पाकिस्तान की मोटरवे के हवाले से भी हमने सुना था कि उस पर आपके तैयारे लैंड कर सकते हैं जंग की कैफियत में, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपकी ऑब्वियसली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, और उन्होंने अपने एक डिपार्टमेंट का भी बताया जो उनका एक नेशनल डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री का है, उसने सिविलियंस की मदद की। तो ये बेसिकली मुझे लगा, मुझे पाकिस्तान में एक एग्जांपल इससे रिलेटेड फील हुई एनसीओसी की, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने पिछले दौर में किया था। एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी सिविल और मिलिट्री के दरमियान, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया था कोविड को कंट्रोल करने के लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। तो वो इसकी एक बड़ी आला एग्जाम्पल है। अब इसको हम मजीद पढ़ें तो हमें पता लगता है कि जो चाइना की आर्मी है ना, ऑब्वियसली हर आर्मी आपकी स्टेट का पार्ट होती है, लेकिन चाइना में है चूंकि वन पार्टी सिस्टम, उनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके इस वक्त के सरबराह हैं इनके सदर शी जिनपिंग, वो हैं उस वक्त एक उनकी सुप्रीम लीडर टाइप कोई चीज़ है, और उनके अंडर सारी आर्मी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी है, और सारा आपका जो नेशनल डिफेंस आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इनकी आर्मी है वो भी इस कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। तो वो जब भी मीटिंग करते हैं, जो उनकी मेन एक मीटिंग होती है, जैसे यहाँ पर कोर कमांडर्स या कॉन्फ्रेंस होती है या कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर वो सदर अपने सारे लोगों को बिठाता है, जिसमें सारे मिलिट्री जनरल्स भी होते हैं और आपके जो इनके पॉलिटिकल हेड्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के वो भी हैं। और साथ ही मिलिट्री सिविल फ्यूजन में एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि इनकी जितनी भी कमांड्स हैं ना इनकी आर्मी की, जैसे हमारी कमांड है, सदरन कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, इस तरह इनकी भी है, वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न थिएटर है, ईस्टर्न है, फिर कई इनकी जितनी भी पूरा मिलिट्री के जो कमांड्स होती हैं, जो थिएटर्स होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स का ऑब्वियसली एक तो हेड होता है मिलिट्री जनरल, साथ ही उन्होंने एक जनरल का ओहदा सिविलियन को भी दिया है जो पॉलिटिकल बंदा होगा, ताकि वो पॉलिटिकल सिचुएशन को असेस कर सके। मतलब माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी है, मिलिट्री में पूरी पूरी उन्होंने सिविल डाल दी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कल को चाइनीज मिलिट्री कहे कि सिविलियंस बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि मिलिट्री सिविलियन मैटर्स में आ रही है। बात यह है कि वहाँ पर ये रौला हो ही नहीं सकता, वहाँ पर हम तुम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है, फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है कि मिलिट्री भी सिविल है और सिविल भी मिलिट्री है। व्हाट अ कॉन्सेप्ट, आई थिंक इसमें कुछ लोगों को तो एतराज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एक आई थिंक एक रॉबस्ट स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं सबसे हौलनाक पार्ट की, इनकी जो स्ट्रेटजी होगी, इनकी वॉर स्ट्रेटजी क्या होगी। इन्होंने एक बनाई है स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स, यानी कि बड़ी जो स्ट्रेटजिकली चीज़ों को देखेगी, जो आपके जो पैरेलल जो चीज़ें होती हैं ना जंग में, काइनेटिक ऑपरेशंस के अलावा, यानी कि फिजिकल जंग के अलावा जो चीज़ें चल रही होंगी, वो ये स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स देखेगी। बेसिकली एक कमांड लेवल की उन्होंने पूरी फोर्स बना दी है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स, टेकीज जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो पूरे जो एआई के एक्सपर्ट हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और साथ उनके मिलिट्री वाले भी होंगे ऑब्वियसली। अब वो क्या काम करेंगे कि वो किसी भी जंग से पहले पूरी जो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी किसी भी जंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से इन्होंने गलवान या लद्दाख में लड़ाई करनी है, तो ये इनके पास होगी पूरी इन्फॉर्मेशन, और आपका जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको वो चोक कर देंगे, इन्फॉर्मेशन को पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि आजकल की जंगें वो सिर्फ फिजिकल या काइनेटिक जंगें नहीं रहीं, जिसमें सिर्फ टैंक और बंदूकों का ही इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पूरी आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसी को कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड का मतलब एक मिलाप, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, साइबर स्पेस, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर के, और इसमें फिर डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि क्या वो करेंगे कि डेटा और एआई के ज़रिए पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और एल्गोरिदम्स इनको गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, और इस तरह वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और दुश्मन के जहन में और दुश्मन की सफ़ों में तबाही मचा देंगे, और पूरा मतलब
कॉग्निटिव कंट्रोल ऑपरेशंस, मतलब पूरा पूरा आपके साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जाएंगे। मतलब लोगों के जहनों में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी कि वो वहाँ पर ही वो डीमोरलाइज हो जाए। तो इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे आपकी सिविलियन आबादियों पर, और फिर उसकी मदद से जब वो ऑपरेशन चल रहा होगा, पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जब वो हाईजैक कर लेंगे, तो तब वो आएंगे मिलिट्री फोर्स के साथ, टैंकों के साथ, मिसाइल्स के साथ, और पता नहीं किस किस चीज़ों के साथ। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसमें टेक को इस्तेमाल करना है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलनी है, उस तरह दुश्मन की सफ़ों में घुसना है और तबाही फेर देनी है। और एक इनकी स्ट्रेटजी है कि कम से कम काइनेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा ये एम करते हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मतलब साइबर अटैक्स के ज़रिए वो तबाह कर दें, ये इनकी मेन स्ट्रेटजी है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी जो आर्मी की तादाद है उसमें ये कमी कर रहे हैं, जो इनके ऑन ग्राउंड सोल्जर्स होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इनकी जो नेवी है और इनकी जो एयरफोर्स है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डोमेन्स हैं, इनके साउथ चाइना सी में भी फटने हैं, उन इश्यूज़ को भी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, उसको बताया कि उनको किस तरह चाइना हैंडल करने की कोशिश करता है, उसमें बड़े बड़े इनके मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, किस कितनी हद तक वो टारगेट कर सकते हैं, फिर इनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और इनका जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्री है। और बेसिकली इसमें यह भी है कि ये अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, जो इनकी डिपेंडेंस थी बाहर के मुल्कों पर, मतलब यूरोप के मुल्कों पर या रशिया पर कुछ इंजन्स वगैरह के हवाले से, वो अब अपने मुल्क में तैयार करने का सोच रहे हैं। और यही इनका विजन 2049 है कि 2050 तक उससे पहले हम खुद कफील हो जाएं, अपना सब असलहा चाइना में बन रहा होगा, दुश्मन के जो वीक एरियाज हैं, जो उनकी फॉल्ट लाइंस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके। मिलिट्री डोमिनेंस के लिए इनकी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के साथ, वो भी उसकी भी सपोर्ट होगी, और जॉइंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट फोर्स वो भी इनके साथ होगी, जिसमें ऑब्वियसली सिविलियंस भी हैं। फिर स्पेस में भी ये डोमिनेट करने का इरादा रखते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है। बेसिकली अमेरिका बादर ये कह रहा है, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2049 का जो विजन है वो ये अकेले अचीव नहीं करेंगे। अब ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि अपने अंदर ये क्या कुछ कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अपने बाहर ये किस तरह अलायंसेस बना रहे हैं। और अलायंसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पाकिस्तान का। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका बादर की नज़र में पाकिस्तान इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलाय है इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए। इनकी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है ना, और उसमें सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, के चाइना जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, समंदरी रस्ते हैं, अगर वहाँ पर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस पोटेंशियल खतरे से बचने के लिए वो अपने ज़मीनी रस्ते बना रहा है। वो सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान वगैरह से नई नई किस्म की डील्स कर रहा है, ज़मीनी रस्ते तलाश कर रहा है तिजारत के लिए। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो BRI नेशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना अपने एजेंडा की तकमील के लिए इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि लॉजिस्टिकली और मिलिटरीली भी उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो हम आगे देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या क्या प्रोवाइड किया है। अब मैंने सर्च किया कुछ ममालिक का, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, ऑब्वियसली इसमें चाइना के कई और पार्टनर्स का भी नाम लिखा हुआ है। और ये रिपोर्ट में ये भी वो परेशान हो रहे हैं कि कुछ अमरीकी जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे अमरीका के पार्टनर्स हैं, जैसा कि कह लें कि फिलीपींस हो गया, या आपका थाईलैंड हो गया, या सिंगापुर हो गया, ये जो आपकी फार ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, या मिडल ईस्ट में ये सऊदीया, UAE, इसराइल वगैरह, ये रिपोर्ट कहती है ये सारे मुल्क जो हमारे पार्टनर्स हैं, चाइना इनके साथ भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स कर रहा है। सबसे ज़्यादा दफ़ा जो यहाँ पर नाम मेंशन था वो था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का तकरीबन 5 जगह पे मेंशन था, थाईलैंड का 13 जगह पे था, इसी तरह म्यांमार का कोई 10-12 जगह पे था, पाकिस्तान का नाम यहाँ पर 28 जगह पर मेंशन था अमरीकी रिपोर्ट में। अब या तो चाइना बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है हमारी, या तो अमरीकियों के सर पर हम बहुत ज़्यादा सवार हैं। लेकिन कुछ उन्होंने फैक्ट्स भी बताए कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। 28 जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलाय, जिसके साथ इन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं, इनको नेवल शिप्स प्रोवाइड किए हैं, आप दोजें प्रोवाइड किए हैं, CPAC के हवाले से इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इनका कैसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्टनर है, मैं आपको लाइन ही वो बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल, चाइना रैंक्स पाकिस्तान एज इट्स ओनली ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मतलब पाकिस्तान
हर मौसम का दोस्त है चाइना का। और आगे कहते हैं कि रशिया उनका कम इंपॉर्टेंस वाला दोस्त है, किस तरह, मतलब पाकिस्तान की निस्बत। रशिया इज ओनली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद कोऑर्डिनेशन रिलेशंस। और बाकी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील और वेरियस स्टेट्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, या आपकी थाईलैंड वगैरह और मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो इन सब में पाकिस्तान जो है वो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये अमरीकी रिपोर्ट कह रही है, ये अमरीकी रिपोर्ट कह रही है जिसमें हमारा नाम 28 जगह पर मेंशन है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आगे वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं उनको दिन ब दिन उनमें बेहतरी ला रहा है, उसको ग्रो कर रहा है। चाइनीज पर अटैक्स तो हुए हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में, लेकिन चाइना पीछे नहीं हट रहा। मतलब चाइना अपने एम्बिशंस पूरा करने के लिए तैयार है, और चाइना पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म पर भी काम कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने बात की अफगानिस्तान में कि चाइना ने, मतलब हमारे जो अमरीकी फोर्सेस के एम्बिशंस हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की है अफगानिस्तान में। वो कहते हैं कि बीजिंग के इस्लामाबाद से इस कदर शानदार ताल्लुक आते हैं कि उन्होंने इन ऑर्बिट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट पाकिस्तान को बनाने में मदद की है। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है वो चाइना ने बनाने में मदद की है। साथ ही वो कहते हैं कि इनकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो भी इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो कहते हैं कि 2020-21 में जो एक्सरसाइजेज हुई थी उन्होंने पाकिस्तानी सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने में मदद की है। और आपको अगर याद हो तो हमने तकरीबन 2.5-3 साल पहले उस पर भी वीडियो बनाई थी जब ये जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई थी, और उस वक्त अमरीका बादर का सीपैक के हवाले से एक बयान आया था कि आप सीपैक छोड़ दें, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा चाइना ऑल्सो सप्लाइड मेजर नेवल वेसल्स टू इट्स पार्टनर्स। और 2015 में पाकिस्तान ने 8 सबमरीन्स खरीदी पाकिस्तान ने $3 बिलियन की। और इसके अलावा पाकिस्तान को 4 नेवल फ्रिगेट्स बेची हैं रिसेंटली। ये बात करते हैं चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी के बारे में कि किस तरह मिलिट्री टू मिलिट्री ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के साथ तो की ही हैं एक्सरसाइजेस, इसके अलावा इन्होंने की हैं सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और जिबूटियन फोर्सेस के साथ। और बहुत से जो ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, चाइना लेड एक ग्रुप है एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसमें भी एलाइज हैं, और भी बहुत से की एलाइज हैं पाकिस्तान के अलावा चाइना के, जिनका हमने अभी जिक्र भी किया है। बट पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना। अब इस रिपोर्ट को पढ़कर क्या अंदाज़ा होता है? अभी तो हमने इसका बहुत थोड़ा पार्ट देखा है, हमने अभी डिटेल्स नहीं देखी, हमने मोटा मोटा जो इसका विजन है, जो इनके मेन पार्टनर्स हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी है, मेन स्ट्रेटजी, उसको डिस्कस किया है। इससे ये पता चलता है कि चाइना का विजन बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने भी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है जो कि अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान उस पर अमल करे। उन्होंने अपनी पूरी कौम को एक मकसद दे दिया है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, कि आपने इस मकसद को, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने हैं। और मकसद भी तभी दिए जाते हैं और वो तभी पूरी करती है अवाम जब उनके पेट भरे होते हैं। पाकिस्तानी अवाम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर आंखें बंद करके स्टेट का साथ देंगे जब आपकी इतनी ज़्यादा पीछे गुर्बत हो, लोगों के पास पैसे ना हो खाने के लिए, लोगों के पास रोज़गार ना हो, जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब मिलियंस में हैं लोग जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे तो अभी बेसिक मसाइल ही नहीं पूरे होते, जैसे मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले तो बेसिक मसाइल कैसे हल होंगे, कि पाकिस्तान की जो एलीट है ना उसको थोड़ा सा कंसीड करनी पड़ेगी पावर, बिजनेस में, रियल इस्टेट में, इन एडवेंचर से थोड़ा सा बैकआउट करना पड़ेगा। अवाम के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि अवाम खुल कर खेलें, इकॉनमी के मैदान में पैसे कमाएं, थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक वॉल्यूम पाकिस्तान का ओवरऑल बड़ा हो, जो 300-400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है इसको 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स पर लेकर जाएं, अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, आप भी बड़े बड़े विजन्स दें। अभी हमें बेसिक काम करने की ज़रूरत है। चाइना देखें अपने बेसिक सारे काम कर चुका है, उनके लोगों के पेट भरते हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रांग है, अब वो किस तरफ जा रहे हैं, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहे हैं कि कोई हमें मैली आंख से देखने की जरूरत ना कर सके। क्या मिलिट्री को वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पूरा नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को वो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आपकी लीडरशिप के पास क्लियर विजन हो। पाकिस्तान में इस वक्त विजन की भी शदीद कमी नज़र आ रही है। और इसमें क्या है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों से पता लगता है कि आपकी मिलिट्री का किरदार भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी नेशन बिल्डिंग में।
तो मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा एक अहम एक टूल है, और पाकिस्तान आर्मी इसीलिए बहुत सी चीज़ों में, जिसे हम जिस पर लोग तनकीद भी करते हैं कि जी घुस रही है, तो कई चीज़ें मिलिट्री को करनी पड़ती हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिविल और मिलिट्री को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये मैं हमेशा से ही कह रहा हूँ, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मिलकर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें चाइना से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो मैंने असद उमर से भी इंटरव्यू में कहा था कि हम क्यों नहीं उस तरह फ़ायदा उठा सके। आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, अभी आप इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी देख रहे हैं, आप उनकी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी देख लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस वक्त चाइना की है, अमेरिका से ज़्यादा है, $3 trillion की उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट है। हमें उनकी वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होना चाहिए, अपनी चीज़ों को उसमें डालना चाहिए, और हमें भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। ये जो रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। इससे एक और भी हमें चीज़ नज़र आती है कि अमेरिकन हेजेमनी इससे सीरियसली चैलेंज होगी, और ये खुद अमरीकी भी अब मान रहे हैं कि जी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अमरीकी ये समझते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो हमारे इंटरनेशनल जो हमारा एक पूरा सिस्टम है, जो हमने ग्लोबल ऑर्डर बनाया हुआ है, उसको चैलेंज कर रहा है। और चाइना ये समझता है कि हमारे राइज में जो सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है वो है अमरीका। तो अब ये क्लियर हो गया है, ये जो कोल्ड वॉर है ये इसका आगाज़ है। इसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था आज से एक हफ्ता पहले, लाजमी देखिए, मेरी रिकमेंडेशन है, कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है। हम इस वक्त चाइना वर्सेस अमेरिका एरा में रह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती होगी या खुशकिस्मती, ये तो वक्त ही बताएगा। चाइना का राइज तो इस वक्त इनेविटेबल है, और चाइना रुकने वाला नहीं है, चाइना ने ये साबित भी किया है पिछले 25 सालों में। अब देखना ये है कि अमेरिका वो किस तरह के इकदाम करता है कि चाइना को किसी हद तक या बहुत हद तक कंटेन कर सके, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि फ्यूचर इज एशिया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस डॉक्यूमेंट में चाइना की सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी कौन सी लगी। मेरे हिसाब से जो MCF है, मिलिट्री सिविल फ्यूजन, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी बताइए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।